हर्षद रचना जी बोल रही है कि मैंने क्या किया आई दिस चलिए अब स्टॉक ऑफ द डे की बारी है और यसन स्टूडियोज में है यसन बताइए तो देखिए फ्राइडे है और आ, आ, मैं आ, एक स्टॉक से एंड करूंगा आ, लेकिन शुरू करूंगा लोधा से देखिए स्टॉक ऑफ द डे है आठ परसेंट शेयर ऊपर है और अगर हम बात करें प्री सेल्स की तो बारह की ग्रोथ हुई है कैश कलेक्शन भी लगभग 2600 करोड़ रुपए हुआ है क्यू थ्री में और नेट डेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर इसके बारे में हमने सुबह भी बातचीत की थी वो लगभग साढ़े बारह सौ करोड़ से ज़्यादा गिरी है यानी अच्छा लोन रिपेमेंट कंपनी ने किया है और कर्ज में कमी आई है जिसके चलते स्टॉक में आपको छः से सात परसेंट का अपटिक दिखाई पड़ रहा है हिंदुस्तान एरोनाटिक एफ एन ओ का वन ऑफ द टॉप गेनिंग स्टॉक यू बी एस ने यहाँ इनिशिएटिंग कवरेज किया है तीन हज़ार छः सौ रुपये के टारगेट के साथ और ये रिपोर्ट के बाद शेयर में लगभग चार परसेंट की अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है और आखिर में सूला विनियार्ड्स ये स्टॉक अपने रेडार पर रखिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक कैबिनेट डिसीजन लिया है जहाँ वाइन प्रमोशन को जो इन्होंने पॉलिसी थी इसको रिवाइव किया है और जो प्रीवियस पीरियड में जहाँ सरकार ने एक टाइप का अबियंस रखा था उस पीरियड का वैट रिफंड भी किया जाएगा तो अंदाज ये है कि अच्छा खासा रिफंड सूला विनियार्ड्स को मिलेगा हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है इसके लिए उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन फिर से एक बार ये वाइन प्रमोशन और ये जो टैक्सेशन का रिलैक्सेशन है वो रिवाइव कर दिया गया है हिंदुस्तान टाइम की ये रिपोर्ट है और इस न्यूज के बाद शेयर में लगभग पांच परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है जैसे ही पता चलेगा रिफंड का अमाउंट करेंगे लेकिन एक साइजेबल इम्पैक्ट सोला विनियार्ड्स पे इस न्यूज के चलते आना चाहिए ऊपर और इस पर इनफैक्ट चंदन जी भी कॉल दे ही रहे थे और यथिन भी आपको कारण बता रहे हैं कि इतनी तेजी यहाँ पर क्यों हो रही है स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखें अपनी स्क्रीन पर रखिएगा करीब चार सवा चार परसेंट के गेंद साढ़े चार परसेंट की तेजी आ गई है बात करते करते सोला बिन में इसे कहते हैं रिसर्च और स्टॉक इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें